तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आपके बिरला वॉल पुट्टी के जो नया प्रोडक्ट आया है। तो इसके तीन प्रोडक्ट हैं, तो तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम सीप गार्ड के बारे में बात करेंगे, जो अंदर का प्रोडक्ट है। ये उसके अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल हैं, ठीक है, जिन कंपनी का नाम हम सब जानते हैं, एशियन पेंट हो या फिर कोई भी कंपनी हो, जैसे डॉक्टर फिक्सिट वगैरह होती है, सारी कंपनी है और अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बना रही है। इस टाइम मार्केट में अलग अलग तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो बिरला वाइट आखिर क्या, मतलब अपना प्रोडक्ट इसमें उतार रहा है और क्या कह के उतार रहा है, और क्या ये वाटर प्रूफिंग करता भी है, या फिर ये मतलब और बात की केमिकल की तरह है, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। और एक एक करके हम इस पर बात करेंगे, मतलब एक प्रोडक्ट पर पहले बात करेंगे हम, इसके जो अंदर के वाले जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके तीन तीन प्रोडक्ट है, एक अंदर का, एक बाहर का, और मेरे ख्याल से एक दो है या तीन, मेरे ख्याल से जो भी है, हम इन तीनों पर बात करेंगे। तो एक एक अगर इसकी जो है तीन वीडियो आएगी, तो उसके हिसाब से हम इस पर हम बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। मतलब इस प्रोडक्ट को आप जो है कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाथरूम में, एरिए में, या फिर किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आपको सीलन की समस्या हो रही है और इन सब चीज़ों से, जैसे कि हम लोग केमिकल मारते हैं, ये कहना चाह रहे कि जो भी केमिकल हम मारते हैं तो दीवार पर फफूंदी आती है, या फिर आप देखते होंगे लो वी एस सी प्रोडक्ट भी, मतलब कंपनी का देती है लो वी एस सी, ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं जो लो वी एस सी ना दे, हर कंपनी दे रही है, उसमें कुछ नया नहीं है। बाकी इन्होंने बताया जर्मन सिलिकॉन जो है, जो इनके नेक्स्ट पहले प्रोडक्ट में जो इन्होंने दिया था वो भी इसमें भी है, ठीक है, जर्मन सिलिकॉन जो भी है इसके अंदर, ये प्रोडक्ट इसके अंदर मतलब डाले गए हैं, ठीक है। और बाकी जो प्रोडक्ट जैसे कि एशियन पेंट का हमने देखा है कि रबड़ की तरह वो बन जाता है, ये वाइट सीमेंट में आता है, ठीक है, वाइट सीमेंट टाइप का है ये, और इसके अंदर वाइट सीमेंट भी है, ठीक है, और फफूंदी नहीं आएगा कंपनी का कहना है कि, और जो बारीक दरारें जो होंगी वो भी इनमें जो है उन दरारों को भी भरने में बहुत सक्षम होगा, ठीक है। तो ये पाउडर फॉर्म में है और आगे बात, आप इसे पानी या टैंक वगैरह में जो होता है उस पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ही मतलब बता रहे कि मज़बूत है ये, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये बहुत सी इसमें चीज़ें हैं, जैसे बताया मैंने जर्मन पॉलीमर जो भी है इसके अंदर, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो आपको अदर प्रोडक्ट में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। मैं भी जब इसका पीडीएफ मेरे पास आया तो मैं भी सोचने लगा यार ये सब चीज़ें इसके अंदर है ऑलरेडी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी, पर मुझे नेगेटिव लगने लगा कि नहीं यार ये तो और कम पे जो केमिकल है उनमें तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि पॉलीमर और आपको नैनो पार्टिकल्स अदर कंपनी आपको दे रही है, इसमें सिर्फ वाइट सीमेंट है, और वाइट सीमेंट के मतलब वाइट सीमेंट जो पाउडर बेस में है, ठीक है, वो जो है आपको मिलता है, क्या है कि पॉलीमर मिला के आपको मिलाना पड़ता है, इसे आप इसमें मिला सकते हैं। अब इसमें मिलाने का क्या सिस्टम है ये मैं पूरी तरह बताऊँगा आपको। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको लगाने का तरीका गाइस ये है कि आप पहले आप जो जिस दीवार पर भी सीलन आ रही है उस दीवार को आप बिल्कुल साफ़ कर लीजिए, ठीक है, धूल मिट्टी तेल जो भी है आदि जो भी चीज़ें हैं उस पर, उसे आप अच्छे से तार ब्रश से और नॉर्मल ब्रश से आप साफ़ करें। उसके बाद जब उस एरिया साफ़ हो जाता है तो उसे साफ़ पानी से पहले धो लीजिए। मतलब इसका यही है कि अगर एरिया जो साफ़ पानी से धोने का मतलब ये है कि जो भी डैमेज प्लास्टर होता है ना वो अपने आप ही निकल जाता है, जब आप इसे धोएंगे ना झाड़ू से या किसी चीज़ से तार ब्रश से आप धोते हैं तो वो साफ़ हो जाता है, ठीक है। तो उस काम में आप इसे धो सकते हैं। उसके बाद उसको आप सूखने के लिए दीजिए, मतलब सूखने के लिए दे दीजिए, जब वो सूख जाएगा अच्छे से तो उसके बाद आप जो है मटेरियल को मिला सकते हैं पानी में, ठीक है। तो साफ पानी में आपको 60 से 65% आपको मटेरियल लेना है, ठीक है, और 650 ml आपको पानी लेना है, आपको इन दोनों को मिलाना है। चाहे तो आप इसे हाथ से मिलाइए या फिर आप मशीन से मतलब डंडे से मिलाइए या फिर आप मशीन से मिला सकते हैं, मशीन से मिलाने का ज़्यादा फ़ायदा है। और उसको फिर उसके बाद आपको 5 मिनट तक इस मटेरियल को छोड़ देना है, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करना, बर्फ से किसी चीज़ से अभी नहीं करना कुछ भी, इसको रखे रहना है, ठीक है। 5 मिनट के सूखने के बाद आप इसे एक कोट मारें, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, और दोनों की जो टाइमिंग है मतलब मारने की एक दूसरे की जो होती है वो आप 4 से 6 घंटे उसे सूख लीजिए खूब अच्छे से, ठीक है। जब दूसरा कोट जहाँ पे एक कोट मार के जब उसे आप सूखने दोगे उसके बाद फिर इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको,
उसके बाद आपको जो है जब दूसरे कोट मारने जाओगे तो 4 से 6 घंटे बाद जब आप देखोगे सतह सूख गई है तब उस पर आप कोट अप्लाई कर सकते हो। और पलस्तर करना मतलब अगर ज़्यादा बड़ा गड्ढा है, जैसे ईंटों की ज़्यादातर ईंटों की सतह तक गड्ढा पहुँच जाता है, अगर आपको पलस्तर करना है उस पर तो आप इसमें 10 से 12 घंटे के बाद आप इस पर पलस्तर कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि दोनों जो कोटिंग होगी वो 1 से 5 होना चाहिए, मतलब 1 से मतलब दोनों जो कोटिंग होती है वो 1.5 मिलीमीटर होने चाहिए, ठीक है। तो वही इस पर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक चीज़ तो और जानना कि इसे 7 दिन तक आपको छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो बिरला बोल्ड पुट्टी की जो चीज़ें यूज़ करनी है वो बताता हूँ। उसके बाद जो है आप जब इसका सूख जाएगा 7 दिन के बाद, आपको जो है बिरला वाइट वाटर प्रूफिंग पट्टी आती है, बिरला वाइट वालों की वो पुट्टी आपको यूज़ करनी है। और तीसरी चीज़ एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि अगर उसमें दरार है आपकी, मतलब क्रैक फिलर जो इनकी कंपनी लगाता है, जो क्रैक मतलब क्रैक जो फिलर आता है वो 3 mm तक जो क्रैक भरता है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कंपनी के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो ही आपको वारंटी मिलेगी। मतलब जो जो चीज़ इसमें बताई गई है वो सब चीज़ों का अगर आप पालन करते हैं तो कंपनी आपको 5 साल की वारंटी इसमें देगी, ठीक है। अगर आप इसका वो नहीं करते कि भाई ऐसे ही पोत देते हैं जाके ला के, तो फिर आपको उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, उठाया केमिकल और साफ़ कर दिया, तो ऐसा नहीं है, कंपनी इस चीज़ की वारंटी नहीं देगी, ये ध्यान रखिएगा बात को। और इसके अंदर क्या क्या मतलब कंपेयर हम करेंगे अदर कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट से तो कंपेयर करते हैं हम इनके प्राइस से। अगर आप हम अब तक जो हम मैंने यूज़ किया प्रोडक्ट वो एक्रिलिक बेस्ड होता है ज़्यादातर, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट मतलब ये जो प्रोडक्ट बता रहे हैं ये इसके अकॉर्डिंग कि ये जो प्रोडक्ट है, जो बाकी प्रोडक्ट आते हैं वो एक्रिलिक फिनिशिंग में आते हैं, तो ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर एशियन पेंट का डैमलॉक 2K है उसमें आपको मिलेगा पॉलीमर 1-2 लीटर का, और 3 लीटर मिलेगा आपको पाउच जिसमें मिलेगा आपको नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। इन्होंने एक बात गलत कही, दूसरी बात इन्होंने कही डॉक्टर फिक्सिट जो है मतलब ये भी एक्रेलिक फिनिश में आता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने बात कही कि 3 से 15 किलो मतलब 3 किलो प्रोडक्ट आता है और 15 किलो का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और इसके प्राइस की जो बात करी इन्होंने कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो डीलर प्राइस सेट MRP की बात करेंगे डैमलॉक 2K की तो वो 538 रुपये इन्होंने डाल रखा है, जबकि डैमलॉक 2K जो है 470 ऐसे समथिंग आ जाता है, एरिए का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर फिक्सिट की बात करें तो वो आपको मिल जाएगा 545 रुपये का, जो कि आता है 3 किलो का, ठीक है। और अगर आप 15 किलो का लेते हैं तो आपको 1540 रुपये मिल जाएगा। अब इस केमिकल की बात करें तो इस केमिकल का क्या प्राइस रखा गया है, तो इस केमिकल का प्राइस माने तो हम 2 किलो का इसका प्रोडक्ट आता है, ठीक है। 2 किलो का प्रोडक्ट में आपको मिलता है प्राइस आपको 325 रुपये का, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा अदर एरिया के हिसाब से। अगर आप 10 किलो का प्रोडक्ट लेते हैं तो 1351 रुपये का पड़ता है, जबकि अदर कंपनी आपको 1500 और 2300 रुपये के हिसाब से आपको दे रही है। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट सस्ता है बाकी प्रोडक्ट से। और बाकी देखिए अलग अलग प्रोडक्ट की बातें होती हैं, वो पे देखिए वो जो है आपको पॉलीमर दे रहा है, ठीक है, और नैनो पार्टिकल्स जो है वो दे रहा है, केमिकल दे रहा है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। ये आपको सिर्फ सिंगल फॉर्म में पाउडर है, आपको इसे पानी मिक्स करना है और अप्लाई करना है, आपकी वो है कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मेरा था मुझे बताना था कि प्रोडक्ट कौन सा बेहतर है या नहीं है, ये आप खुद जानते हैं। तीनों ही प्रोडक्ट ग्रीन अशोर्ड है, चाहे वो डॉक्टर फिक्सिट का हो या फिर एशियन पेंट का डैमलॉक 2K, और तीनों ही प्रोडक्ट जो है अपने आप में ही एक प्रोडक्ट बढ़िया है। बढ़िया तो मैं नहीं कहूँगा, देखिए तीनों ही प्रोडक्ट के बारे में मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सीलन को नहीं रोकती है, ठीक है। अगर सीलन आ रही है ना तो कोई भी केमिकल आपका सीलन नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जब तक पानी जहाँ से लीकेज आ रहा है ना, जब तक आप उसे नहीं रोकते ना, तब तक पानी नहीं रुकने वाला। तो पहले आप सीलन का जो है ना उपयोग मतलब ख़त्म करिए, जहाँ से भी लीकेज आ रही है उस पाइप को सेट करिए, उसके बाद आप कोई भी केमिकल लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ ये केमिकल यूज़ होता है तो बिल्कुल ये मतलब काम भी करता है, कि ऐसे नहीं बिल्कुल कंपनी ने बेकार ही बना दिया। तो केमिकल काम के हैं, पर जब तक आपकी सीपेज जहाँ से आ रही है ना, जिस चीज़ मतलब बाथरूम के साइड से आ रही है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई सीलन आ कहाँ से रही है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि अपने सीलन आ रही है अपने केमिकल उठा और मार दिया और सीलन रुक गई, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। आपको सीलन रोकने के लिए पहले आपके नल को और कहाँ से सीलन आ रहा है उसको पता लगाना पड़ता है,
फिर आप कोई भी केमिकल लगाए, जमे हुए पानी को कोई भी केमिकल निकाल देगा, मतलब उससे सूख भी जा सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो केमिकल मेरी नज़र में सारे बढ़िया हैं, अपने अपनी जगह पे हैं, प्राइस की जगह पे कंपनी कंपैरिजन है। और बिरला वॉल पुट्टी अपना नया केमिकल लाई तो जाहिर सी बात है उसका रेट कम होगा। बाकी मैं कहूँगा कि मैंने अभी यूज़ तो नहीं किया पर यूज़ करूँगा जल्दी, तो इसके बारे में आपको अच्छे से और रिव्यू दूँगा। प्रोडक्ट अच्छा है, तीनों ही बढ़िया है अपनी जगह पर। बस यही बात करनी थी आपसे। इसके नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे जल्दी। अगर आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट इस पर ज़रूर करें कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो इसकी हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो कि छत वाली वीडियो होने वाली, जो छत जो केमिकल अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके कलर में क्या है, क्योंकि अदर कंपनी आपको दो तीन कलर दे रही है और बिरला वाइट आपको पाँच छः कलर दे रही है, तो सात कलर दे रही है, तो अच्छा है। बाकी देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ध्यान रखिए। ओके गाइस, बाय बाय।